गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 15। निम्नलिखित शोधों के लिए जयश्री गुप्ता की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे करना है। तो पहले ऊपर लिखेंगे, हम हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जयश्री गुप्ता, जयश्री गुप्ता। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी, हम कॉलम आप बना लेंगे, डायरेक्ट एंट्रीज लिख रहा हूं। चालू व्यवसाय को 90,000 रुपए में खरीदा। चालू व्यवसाय मतलब रनिंग बिजनेस। रनिंग बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने क्यों रनिंग बिजनेस को डेबिट किया? चालू व्यवसाय को 90,000 रुपए में खरीदा, किसी का नाम नहीं दिया, इसका मतलब आपने नगद खरीदा, तो एक अकाउंट तो हो गया कैश, और क्या खरीदा? बिजनेस ही खरीद लिया। तो बिजनेस आ रहा है इसलिए बिजनेस क्या होगा? डेबिट। तो रनिंग बिजनेस अकाउंट डेबिट, एंड खरीदेंगे तो कैश जाएगा, इसलिए कैश को हमने क्या करा? क्रेडिट। इसका नरेशन हो जाएगा, बैंक रनिंग बिजनेस, बैंक रनिंग बिजनेस परचेस्ड, बैंक रनिंग बिजनेस परचेस्ड फॉर कैश। कितने का बिजनेस परचेस किया? 90,000 का। तो 90,000 डेबिट में, 90,000 क्रेडिट में। सेकंड नंबर की एंट्री है, मोहन ब्रदर्स कोलकाता से 15,000 रुपए में मशीन खरीदी, जिस पर उन्होंने हमारी ओर से भाड़े के 150 रुपए चुकाए। देखो, हमने मोहन ब्रदर्स से मशीन परचेस करी है, खरीदी है, वो भाड़ा भी उन्होंने चुकाया, हमने कुछ नहीं दिया। तो हमने तो मशीन खरीदी मतलब उधार में खरीदी, क्योंकि नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो अकाउंट होते हैं, एक मशीनरी और एक मोहन ब्रदर्स। भाड़ा नहीं आया क्योंकि वो तो उसी ने दिया, अपना नहीं, उसके वो अपना मैटर नहीं है। तो हमने मशीन खरीदी है मोहन ब्रदर्स से, तो क्रेडिट में परचेस करी है, क्योंकि नाम दिया हुआ तो क्रेडिट ही है। अब मशीन परचेस करी तो मशीन कम से मशीन आ रही है व्यापार के अंदर, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। क्यों करते हैं डेबिट? क्योंकि मशीन वास्तविक खाता है, और वास्तविक खाते का नियम है जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट, और जो जाती है वो क्रेडिट। तो मशीन आ रही है इसलिए मशीन को डेबिट किया। और मोहन ब्रदर्स से खरीदी, तो मोहन ब्रदर्स कौन सा खाता है? व्यक्तिगत खाता, देने वाला है, नियम है पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो मोहन ब्रदर्स यहाँ देने वाला, इसलिए मोहन ब्रदर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रदर्स कोलकाता, मोहन ब्रदर्स कोलकाता अकाउंट। और इसका नरेशन हो जाएगा, बिग मशीनरी परचेस्ड, बिग मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट। कितने की मशीन परचेस करी? भाई हमने मशीन परचेस करी 15,000 की, वो भाड़ा उसे नहीं चुकाया, तो वो हमसे वो भी लेकर है, तो हमको मशीन कितने में पड़ी है? 15,150 रुपए मोहन ब्रदर्स को देना है, क्योंकि हमने उसे क्रेडिट में लिया है। थर्ड नंबर की एंट्री है, मशीन लगवाने का भी है 450 रुपए हुआ। मशीन लगवाने का, हम मशीन लेके आए कारखाने में आ गई, अब उसको जो मशीन कारखाने में फिटिंग करना लगवाना है, उसका खर्चा भी मशीन की लागत में ही शामिल होगा, वो व्यापार का आयगत व्यय नहीं है, ये पूंजीगत व्यय, इसलिए उसको मशीन के कॉस्ट में ही शामिल करेंगे, तो उसको भी हम मशीनरी करके ही लिखेंगे। तो ये भी हमारी कैपिटलाइजेशन पूंजीगत व्यय है, इसलिए उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा मशीन की लागत में ही। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मशीन लगवाने का व्यय हमने यहाँ पर दिया है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मशीन लगवाने को क्या बोलते हैं? मशीन लगवाने को क्या बोलते हैं? बीइंग एक्सपेंसेस फॉर, बीइंग एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशंस
बिंग एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशंस पेड, मशीन लगवाने का भी है हमने यहाँ पर चुकाया, और ये मशीन लगवाने का भी है 450 रुपये, तो यहाँ पर 450 रुपये की आप एंट्री कर देंगे। उसके बाद आता फोन नंबर की एंट्री। फोन नंबर की एंट्री है, एक रोकड़िए ने 700 रुपये चुरा लिए और अब लापता हो गया। एक रोकड़िया, रोकड़िया मीन्स जो दुकान में कैशियर होता हमारा, उसने 700 रुपये चुरा लिए। चुरा लिए मतलब हमको चोरी से हानि हो गई, और चोरी से हानि को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट, क्या बोलेंगे। और लॉस क्या होता है, मैंने बताया ना नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉस इज डेबिट, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, चोरी को थेफ्ट बोलते हैं, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू क्या गया आपके पास से, कैश गया फर्म से, तो कैश क्रेडिट, क्योंकि चोरी हुई तो कैश गया। इसका नरेशन लिख देंगे, बिंग लॉस ऑफ कैश, बिंग लॉस ऑफ कैश बाय, बिंग लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट, और ये टोटल लॉस हुआ हमारा 700 रुपये का। कितना लॉस हुआ, 700 रुपये का। फाइव नंबर की एंट्री है, 50 रुपये का माल निशुल्क नमूने के रूप में वितरित कर दिया। नमूना क्यों बांटती है कंपनी, विज्ञापन करने के लिए, तो जो नमूना किया दिया है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा विज्ञापन का खर्चा है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर डेबिट होगा। ये कौन सा एक्सपेंसेस माना जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का, और एडवर्टाइजमेंट हमेशा क्या होता है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस लॉस हमेशा क्या होते हैं डेबिट, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या गया फर्म के पास से, कैश नहीं गए माल गए, क्योंकि माल दिया ना उसने, तो माल जब जाता है तो हम परचेस को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो परचेस में से कम हो जाता है। तो 50 रुपये का माल निःशुल्क बांटा था, तो ये 50 रुपये का माल चला गया, और इसका नरेशन लिख देंगे, बींग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बींग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री, नमूने को क्या बोलते हैं सैंपल, बींग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ने माल बांटा है एस आई के लिए फ्री सैंपल, यानी निःशुल्क नमूने के रूप में हमने माल यहाँ पर वितरित कर दिया। बस आपको ये कुछ नहीं करना है, इसके बाद टोटल लगाना था, जनरल में डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों से टोटल लगा लेंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।